तो बात करें होली की, तो होली की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है। वैसे होली का एक प्रेम प्रेम का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है। जैसे कि आपने सुना होगा मथुरा वृंदावन बरसाना, जो राधा और कृष्ण के बीच इन्होंने ही होली का इजाद किया है। और ये एक मोहब्बत प्रेम का पर्व है, जिसमें एक दूसरे के अपनी दुश्मनियां भुला के और अपने दिलों के घावों को भुला के, दिलों के मनमुटाव को भुला के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं प्रेम भाव से। तो वैसे ही सलमान खान, जो कि भारत फिल्म में उनका नाम भारत है, और वो कहते सुनाए उन्होंने कहा भी है इस फिल्म में कि उनका नाम भारत है और वो किसी भी जाति समाज इन सब चीज़ों से उठे हुए हैं, और उनसे कोई पूछ ना ले कि तुम्हारी जाति क्या, धर्म क्या है, इसीलिए उन्होंने अपना नाम भारत रखा है, यानी कि उनके पिता ने उनका नाम भारत रखा है इस फिल्म में। तो वहीं बात करते हैं होली को लेकर। तो होली एक प्रेम का प्रतीक है, तो और सलमान खान की जितनी भी फिल्में हैं, उनकी कई फिल्मों में उनका नाम प्रेम भी रहा है, और लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें प्यार दिखाना पर्दे पर बखूबी तरीके से आता है, और सलमान खान को प्रेम के रूप में देखना दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं। यानी कि उनकी जो चुलबुली सी लव स्टोरी होती है ना, जैसा कि आपने उनकी पिछली फिल्मों में देखी होगी, तो उसी रूप में दर्शक उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं, प्रेम रूप में। और जब ऊपर से उसमें होली का रंग हो और ऊपर से प्रेम हो, यानी कि सलमान खान, तो कहने ही क्या। वैसे सलमान खान के जीवन में, निजी जीवन में प्रेम तो काफ़ी रहा है, हालांकि उनका नाम भी प्रेम है कई फिल्मों में, लेकिन उनका प्रेम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, जैसे कि ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और भी। लेकिन सलमान खान को कहीं ना कहीं फिर भी प्रेम की तलाश है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रेम की परिभाषा और प्रेम को पर्दे पर दिखाते हैं, तो लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। जैसे कि उनकी एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, तेरे नाम। जब वो फिल्म आई थी, आपको याद होगा और आपने देखा ही होगा कि हर जगह तेरे नाम ही तेरे नाम था। लोग मोहब्बत करना सीख गए थे और लोग मोहब्बत करना चाहते थे और लोगों ने की भी। तो वैसा ही कुछ सलमान खान इस बार भारत फिल्म में लेकर आ रहे हैं, भारत के जरिए। इस फिल्म में उनका नाम भारत है, और इस फिल्म में यही दिखाया जाएगा कि कैसे जाति, धर्म और ये अपने अपने जो अपना तेरी होता है, इन सबसे उठकर एक इंसान बनकर प्रेम मोहब्बत भाव में, प्रेम रूप में कैसे जिया जाता है, कैसे एक दूसरे को अपना बनाकर जिंदगी को खुशनुमा बनाया जाता है, यही सब दिखाएंगे सलमान खान फिल्म भारत में। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार कि सलमान खान की जो ये फिल्म भारत आ रही है, वो कितनी बड़ी कल्ट बनेगी। फिल्म तो सुपर डुपर हिट होने वाली है, लेकिन कितनी बड़ी कल्ट बनेगी, इसका जवाब तो अभी भविष्य पर ही है। लेकिन जिस तरीके से उनकी फिल्म के टीजर और ट्रेलर आए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि फिल्म में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत कुछ दर्शकों को ये फिल्म सिखा के जाएगी और देकर जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सलमान खान का ये फैसला सही है जो उन्होंने इस फिल्म में डाला है? होली के गीत, त्योहारों का तालमेल, हर धर्म, हर समाज, हर मुद्दे को जो उन्होंने इस फिल्म में पिरोया है मोती की तरह, हर त्योहारों को दिखाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, सलमान खान का ये सही फैसला है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ का ये फिल्मी सफ़र। भारत फिल्म में होली का गीत क्यों रखा गया है, और भारत फिल्म में इसे त्योहारों से जुड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है? सलमान खान खुद को मुसलमान समझते हैं या हिंदू? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के इस फिल्मी सफर में। तो दोस्तों, जैसे कि भारतीय सिनेमा में आप देखते आए हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, कहीं ना कहीं उसमें भारत के त्योहार होते हैं, उनका प्रदर्शन, उनकी झांकियां, उनकी झलक जरूर होती है। वैसे ही सलमान खान भी भारत फिल्म में एक होली का गीत दिखाने जा रहे हैं। तो आखिरकार इस फिल्म में होली का गीत रखा क्यों गया है? तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे भारत की कुछ फिल्में हैं जो कि कल्ट फिल्में हैं सलमान खान की, उसमें कहीं ना कहीं होली का गीत या होली के रंग जरूर है, कहीं ना कहीं दीपावली का रंग, कहीं ईद का रंग, तो कहीं क्रिसमस का रंग, तो कहीं गांधी जयंती, तो कहीं गुरु नानक जयंती। तो जितने भी भारतीय त्यौहार हैं, जो सारे धर्मों के त्यौहार हैं, जो समाज के त्यौहार हैं,
हर त्योहार कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में देखने को मिल ही जाते हैं, तो सलमान खान। लेकिन भारतीय फिल्मों में होली को ज्यादा महत्व दिया जाता है, आपने देखा ही होगा किसी न किसी फिल्म में होली को लेकर या होली के गुलाल अबीर को रंग को उड़ता हुआ दिखाया ही जाता है। तो सलमान खान ने ये भी सोचा है, क्योंकि सलमान खान अपने आप को ना तो हिंदू समझते हैं ना मुसलमान समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक इंसान समझते हैं। मैं जरा इस बात पे आता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि सलमान खान के जो पिता हैं वो मुसलमान हैं और जो उनकी माता हैं वो हिंदू हैं। लेकिन इन कहीं इन सब बातों से बढ़कर वो अपने आप को एक इंसान मानते हैं और वो इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें एक इंसान ही कहा जाए। क्योंकि अक्सर देखा होगा आपने सलमान खान को कि वो मुंबई में जो बहुत बड़ा आयोजन होता है गणेश चतुर्थी का, तो सलमान खान उसमें गणेश जी की पूजा करते हैं और उनके घर में दिवाली होली ईद जैसे त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं एक साथ मिलकर। वो भेदभाव नहीं रखते, इसी वजह से सलमान खान आज सलमान खान है। आप इस बात से शायद सहमत होंगे मेरी। रही बात फिल्म भारत की, तो उसमें होली का गीत इसलिए रखा गया है क्योंकि लोग जब भारतीय जनता सिनेमाघरों में जाती है तो वो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा देखना चाहती है जैसे कि इमोशनल ड्रामा, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, फाइट, रोना, हंसना, ये सब देखना चाहती है। और इसके साथ साथ वो देखना चाहती है जमीनों से जुड़ी चीज़, जमीन से जुड़ी चीज़ जैसे कि होली, दिवाली, ईद और जैसे कि गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, जो हमारे यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। तो जनता खुद को कनेक्ट कर पाती है, लेकिन होली का